हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो बात करते हैं बच्चों, आज के लिए आपके लिए 12th की जो सीरीज चल रही थी, नीट IIT और की जो आपके पास सीरीज चल रही थी, उसका टॉपिक आपके पास बहुत ही खास लेके आए हैं। उसका टॉपिक आपके पास आज करवाने जा रहे हैं हम, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपिस्टर। कैपिस्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसका जो डेरिवेशन है वो आज हम करवाने जा रहे हैं। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बात करते हैं बच्चों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी स्टोर इन ए कैपिस्टर। कैपिस्टर का मतलब आपने समझ लिया था, कैपिस्टेंस का मतलब समझ लिया था, और आपने सारा इसका थोड़ा मीनिंग आपके पास समझ लिया सारा। आज हम करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब बात करते हैं बच्चों आपके पास इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले आप बच्चों इसका बनाए डायग्राम। तो डायग्राम में हमने लिया दो प्लेट ली, हमने क्या ली, दो प्लेट ली, दो प्लेट ले ली। दो प्लेट लेने के बाद में एक प्लेट का नाम दे देता हूं मैं ए और एक का नाम दे दिया मैंने बी। दो प्लेट ले ली, दो प्लेट का एक का नाम दे दिया ए, एक का नाम दे दिया बच्चों बी। अब बात करते हैं इसको मैंने पोटेंशियल दे दिया, इसको पोटेंशियल दे दिया तो आपके पास क्या हुआ। पोटेंशियल आप मैंने दे दिया इसको पॉजिटिव बैटरी का, फिर आपके पास नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे आपके पास नेगेटिव चलता जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वोल्टेज दे, तो मैं लिख देता हूँ वोल्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन, यहाँ पे बच्चों नेगेटिव का साइन। नेगेटिव साइन को आप क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, तो इसको क्या कर दें, ग्राउंड कर दें। इसे क्या कहते हैं, ग्राउंड एरिया कहते हैं। और यहां से लेके यहां तक की दूरी आपके पास डी है। डी जो सेपरेशन आपके पास दोनों प्लेट के बीच का जो आपने सेपरेशन लिया है उसको नाम दे दिया डी। अब बात करते हैं आपके पास एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर में आपके पास क्या होता है। तो सबसे पहले आपके पास बात करते हैं एनर्जी स्टोर, एनर्जी जो स्टोर होती है वो आपके पास वर्क डन के बराबर कहलाती, किसके बराबर कहलाती है बच्चों, वर्क डन के बराबर कहलाती है। अब बात करते हैं दैट इज वर्क डन, जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, पोटेंशियल इनटू चार्ज के बराबर होता है। तो पोटेंशियल इनटू चार्ज के बराबर होता है, वर्क डन की बात कर रहे हैं। वर्क डन मतलब चार्ज आपके पास यहाँ पे है, तो यहाँ तक गया है, कितना कार्य किया है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचाने के लिए, उसे कहते हैं। अब आपके पास डी डब्ल्यू मान लेता हूं मैं इसको, तो आपके पास पोटेंशियल बच्चों किससे मानते हैं, आपके पास वी से मानते हैं, इनटू में चार्ज को मैंने स्मॉल मान लिया, डी क्यों मान लिया। अब बात करते हैं आपके पास एक फॉर्मूला था यहाँ पे, आपके पास पीछे क्यू वी सी के बीच में फॉर्मूला था, तो बच्चों वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। यहाँ पे आप क्या करें बच्चों, इसकी वैल्यू को पुटअप करें। जैसे बच्चों आपने इसकी वैल्यू को क्या किया, पुट किया, तो आपके पास ये वाली टर्म आ गई। अब क्या करना है बच्चों, आपने ये वाली वैल्यू को पुट करने के बाद आपने चाहिए यहाँ पे टोटल वर्क, यहाँ पे इसको करने के लिए क्या कर दें, इसको इंटीग्रेशन कर दें। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन को इंटीग्रेट किया विद लिमिट, जिसकी लिमिट क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहे थे आपके पास जीरो से लेके बच्चों क्या होता, सो वी गेट, तो आपके पास क्या प्राप्त हुआ, इस साइड तो आपके पास क्या मिल गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, जीरो से किले के क्या है, क्या होता है, क्या सी, और ये क्या बच्चों डी क्या होता। अब बात करते हैं इससे आगे क्या होता है, ये वाई टर्म आपके पास क्या है, वन बाई सी कॉन्स्टेंट है, वो
कॉन्स्टेंट को मैं बाहर ले लेता हूँ, बाकी आपके पास ये टर्म है एज इट इज, वो एज इट इज टर्म लिखता हूँ। तो क्या हो गया बच्चों आपके पास यहाँ से, भाई आपके पास इसके रिस्पेक्ट तो है ही, आप कर रहे हो तो आपके पास बाई टू। हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन भी साथ साथ कर दिया, तो आपके पास लिमिट हो गई 0 से लेके क्या हो तक। अब बात करते हैं बच्चों आपके पास अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट का रूल होता है, तो आप यहाँ पे क्या कर दें, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट लगा दें। तो बच्चों 1/c तो आपके पास ही है, अपर लिमिट आपने लगाई क्या स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट आपके पास 0, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से, क्या स्क्वायर बाई 2c आ गया आपके पास यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, अब बात करते हैं इससे अगला स्टेप में क्या होगा। तो इससे अगला स्टेप में ऊपर कर रहा हूँ आपके पास, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में। अब बात करते हैं बच्चों इससे आगे आपने क्या करना है, तो इससे अगले वाले प्रोसेस आपके पास क्या है, तो क्या स्क्वायर बाई 2c आपके पास है। अब बात कर रहे हैं बच्चों क्या स्क्वायर बाई 2c, अब क्या की वैल्यू क्या थी आपके पास, cv के बराबर थी। तो बच्चों यहाँ आप क्या करें, क्या की वैल्यू cv के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करें, पुट करें, हम जानते हैं ये बात है आपके पास सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई 2c। अब c से क्वांटिटी कैंसिल होगी, आपके पास सी वी स्क्वेयर और 1/2 आ गया, तो आपके पास टोटल अपना वर्क डन के बराबर है, जिसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इससे अगला स्टेप आपने क्या करना है, ये तो आपके पास यहाँ तक का काम होगा जो हमने निकालना था, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, वो आपके पास निकल के आ गया है, आपने यहाँ तक करना है। अब बात करते हैं इसमें एक टर्म और यूज होती है, जिसका नाम आपके पास है एनर्जी डेंसिटी की टर्म होती है, उसको और समझा देते हैं। इसके साथ साथ इसमें आप वो भी लिख लेना, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी द एनर्जी स्टोर्ड, आपके पास एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, द एनर्जी स्टोर्ड, डेफिनेशन लिख लो आप, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, आपके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, कब है? जब आपके पास पर यूनिट क्या हो रहा है बच्चों, वॉल्यूम है ऑफ ए स्पेस इन ए कैपेसिटर, ऑफ ए स्पेस इन ए कैपेसिटर, कैपेसिटर में आपके पास स्पेस है, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, दिस टर्म इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, उसे क्या कहते हैं बच्चों, हमें एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का बच्चों आपके पास यदि फार्मूला पता कर ले, तो आपके पास बच्चों यू इज इक्वल टू 1/2। अब बात आती है यहाँ पे एप्सिलॉन का, आपके पास बात आएगी अब ई स्क्वेयर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके साथ आपके पास ये टर्म ध्यान रखें, आज के लिए आपके लिए इतना ही था। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों साथ ज्यादा ज्यादा मात्रा में लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।